दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी जो है 22 प्रतिज्ञा लेते हुए जो है धम्म दीक्षा दिलाते हैं और उनको पार्टी से इस्तीफा देकर निकाल दिया जाता है, क्या कहेंगे दीदी? इसके लिए तो उनकी पार्टी ने बहुत गलत किया है और इससे पता चलता है कि वह एससी विरोधी हैं, वो ओबीसी विरोधी हैं और देश की जनता ये बात अच्छे से समझ रहे, जिनको भाई देख करके अपना मसीहा मान लेती है ना, अगर वो तस्वीर लगा लेते तो उनको सोच देती है भाई हमारा कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। ये धोखा है आपके साथ। ये देख लो कि कोई असंवैधानिक बात नहीं बोली, कोई गलत टिप्पणी नहीं कही, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, कोई किसी को गाली नहीं दी, कोई किसी की चित्र नहीं बिगाड़ा, उसके बावजूद इस समाज के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है केवल इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का संबोधन कर दिया था। क्यों? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में कौन सी गाली है? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं 1956 में बोली गई और भारत सरकार तब से लेकर उनको छाप रही है, उनके 41 वॉल्यूम में सब में छपी हुई हैं। तो आप किस आधार पर उनको जो इस्तीफा दिलवा रहे हैं जबरन? ये तो दबाव हो गया ना कि आप हिंदू बने रहिए तभी आपको हम सारे अधिकारों में रखेंगे, तब भी अधिकार नहीं देंगे, अधिकार देने का नाटक करते रहेंगे। तो ये इनका दोगलापन है जो समाज के बीच में आ रहा और इनके शोषण से परेशान होकर ये लाखों लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं और ये दीक्षा का कार्यक्रम और धर्म छोड़ने का कार्यक्रम ये जारी रहेगा। धम्म दीक्षा को लेकर आरएसएस और बीजेपी खुलेआम जो है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जो है हिंदू देशद्रोही हैं। देखिए, हिंदू शब्द एक गाली है और हम किसी भी गाली को अपना धर्म नहीं मान सकते और राजेंद्र पाल गौतम जी एक एडवोकेट भी हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, वो ये बात समझते हैं। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर शोषण का एक काला धब्बा है जो देश पर लगा हुआ है और काला धब्बा कोई भी हम अपने देश पर लगने नहीं देना चाहते। दिल्ली से चला धम्म दीक्षा समारोह लखनऊ में पहुंचा है, लखनऊ में आज जो है 10,000 की भीड़ भी जो है धम्म दीक्षा लिए, क्या कहेंगे दीदी? देखिए, 1 लाख के करीब नागपुर में ली, उसके बाद 10,000 यहाँ ली, 10,000 यहाँ ले ली, इसका मतलब ये है कि लाखों की लाखों तादाद में लोग जो है वहाँ से अपना अपमान छोड़ करके सम्मानित जीवन जीने के लिए इधर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी सम्मान चाहते हैं। जब शिक्षित हो रहे हैं तो सम्मान तो चाहिए ना भैया, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको अपने धर्म में भी रखो, उनको प्रताड़ना भी देते रहो, उनको धर्म का क्या कहते हैं पिलर भी बनाते रहो, उन्हें भीड़ भी बनाते रहो। आप इसका मतलब उनकी भीड़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते? अगर अधिकार देना चाहते तो यही हिंदू लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? यही हिंदू लोग इनकी बेटियों के साथ दुराचार क्यों करते हैं? यही हिंदू लोग इनके खड़े खेतों में आग क्यों लगा देते हैं? यही हिंदू लोग इनके जानवरों को क्यों मार देते हैं? यही हिंदू लोग उनके अच्छा बोलने पर नफरत क्यों करते हैं? अच्छा पहनने पर नफरत क्यों करते हैं? घोड़ी पर चढ़ने पर नफरत क्यों करते हैं? अगर ये हिंदू ही हैं और हिंदू ही थे तो आपने आज तक इनमें सम्मान क्यों नहीं दिया? सम्मान से जीने का सबको हक है, एक जानवर भी सम्मान चाहता है। तो हम तो इंसान जन्म लिए हैं और इस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ करके एक सम्मानित जीवन और खुली हवा में सांस लेने का एक ऐसा धर्म हर इंसान को लेने का हक है और लोग ले रहे हैं। इसके लिए आप इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपना शोषण नहीं रोक सकते तो लोग वहां पर आपको शोषण करवाने के लिए रुके नहीं रहेंगे। ये नहीं लेंगे, इनकी आने वाली पीढ़ी लेंगी, वो इनसे बदला लेंगी। हो सकता है कि इस पीढ़ी में इतना दम ना है कि इनसे बदला ले, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां इनसे बदला लेंगी और ये दोबारा से भीमा कोरे गांव को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये दमन कर रहे हैं, दबा रहे हैं कि जबरदस्ती मानो। अरे क्यों मानो?